यमराज राम की सेना समुद्र किनारे आवे कई मां दे जरी आगे कहन के ज्यों थोर देखो री वेनी ज्यों ज्यों पडियोड़ी वेन तो थोर वो दर्शे थोर है धके घुमेला पक्की बात आ गारंटी तो कौन लागा कहवे अरे हनुमान सिया सुधी ले आए ओ कपि मन नहीं मन हरसाए मगन जी साबुन लागा ना साफ हो जा उसी प्रकार अपन कितई पाप कर डावे राम जी नाम पापरो बिना सुजा ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है के भी राम नाम हृदय धरियो होयो पाप को नाश अरे जैसे चिणकी आग की भाई पड़ी पुराने घास जाओ कहवे हां कहवे महात्मा लोग लगे कपड़ों कितो ही गंदो है पण लेकिन उन्हें संभालना बहुत जरूरी है कहवे आज की शाम बालाजी के नाम आयोजन करता किम सिंह जी सनो राम सिंह जी राजगुरु शेवड़ कृष्णा सर दक्षिणावास और इन भजन संध्या में ओंकारा दे रहे हो मगन सिंह जी कान सिंह जी मोहन सिंह जी अर्जुन सिंह जी और अहिर सिंह जी अशोक सिंह जी सब ग्रामवासी कृष्णा सर और जहां हम बैठे हैं उसे सत्संग ग्राउंड कहते हैं आप तक आवाज पहुंचा रहा है इसे गुरु कृपा साउंड कहते हैं हमारे गुरु कृपा साउंड एम्पलीफायर है चारों मेरे विकेट दिया वायर ही वायर ऑपरेटिंग करता श्रीमान तारा संजीव सोनी सिद्ध गुरु और इन भजन संध्या में हमारे साथ गायक हैं ओम सिंह जी सोडा अमरपुर हाल निवासी जोधपुर और डॉलर बजारी आई जितेंद्रपुरी बीजवाड़ी जोधपुर ऑक्टोपैड बजारी आई जयप्रकाश दी वैष्णव चामू सिराई जोधपुर ऑक्टोपैड बजारी ऑर्गन बजारी आई विनोद वैष्णव बड़ा कोटेसा तिवरी जोधपुर रॉयल्स ग्रुप जोधपुर मारो छोटो नाम है सुमेर रमावत फूला सर वैष्णव बालाजी युवा भजन मंडली ग्रुप जोधपुर कवि हनुमत सिया सुधी ले आई कपि मनी मन हर
आकर सगला हाल सुनाई। अरे सीता बैठी बागरे मोए बट दिन आयो मैं मुंदड़ी। हनुमान जी महाराज राम जी ने कहन लगा, हे प्रभु मां सीता हमें थोड़ा गरीब है, बैठो सभी। मगन जी कहे राम जी ने हनुमान जी महाराज कहन लगा, हे प्रभु जितना दिन जितना महीना बीता है कान जी उतना दिन उतना महीना मत करो। तो लंका में राम जी सीता माता कितना दिन थे गया आपने ध्यान है? 11 महीना 11 दिन 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 11 महीना 11 दिन। तो राम जी ने हनुमान जी महाराज पूरा समाचार सुनाया और हनुमान जी राम जी पूरी सेना ले समुद्र किनारे आया। तो आपने जो ने पहला भी टाइम पाड़ा जाता थे बूढ़िया तो ही थोड़ा कम हो जाओ जाओ ना मैं गाड़ी ले जाओ तो कम होवे देश नो जाओ पर थे पहला पाड़ा जाता तो ही कम होता तो ना मैं गाड़ी ले जाओ तो नहीं हमारे ईद के तरह तो देश नो क्यों तो कोई कम न होयो कोई क्यों नहीं होयो के पहला जाता नहीं कौन जी वे गुरुदेव ने माता पिता ने कुल देवता ने हाथ जोड़ गुरुदेव ने हाथ जोड़ माता पिता ने आज्ञा ले पछ जाओ था और हमें बाप पूछे बने छोरा ही जावे के पातो आओ वो पातो ही जावे कौन को बने ना आज्ञा ले जाओ तो कौन आज बने। तो हनुमान जी मन राम जी रा इष्ट कौन महादेव और महादेव रा इष्ट कौन राम जी। राम जी माला फेरे महादेव जी महादेव माला फेरे राम जी। तो सर्वप्रथम राम जी आपने इष्ट देव की स्थापना करी आज भी वो रामेश्वर धाम है एक नहीं है और आज भी आप जोड़ा वेला रामेश्वर मंदिर में निज मंदिर में लाइट नहीं है उस मणि का प्रकाश है और मां देव जी की स्थापना कारण है। हे देव मैं तो बीड़ो उठा दियो हूं जैसे प्रकृति रो पतो नहीं हाल सके प्रकृति बिना पतो धरती माते नहीं हाल सके उन्हीं प्रकार मारो कौम थोर बिना पूरो। तो महादेव जी ने स्तुति करे राम जी कहीं करे हरि कौन हरे दुख कौन हरे बोले नाथ बिना दुख
ये भगवान जैसे धरती बिना दिल भी कौन भरे, वर्षा बिना सागर कौन भरे, उसी उसी बार प्रभु ओ मारो कौन थारे बिना कौन करे पड़े माता बिना आदर कौन करे, पिता बिना पालन कौन करे, सागर कौन भरे, उसी प्रकार ही भगवान भोलेनाथ आप बिना मारो कार्य पूर्ण कौन करे, माता बिना आदर कौन करे, पिता बिना पालन कौन करे, गुरु बिना ज्ञान कौन करावे, भाई बिना भीड़ कौन चले, उन्हीं प्रकार भोलेनाथ आप बिना मारो कौम पूर्ण कौन कौन और कह रहे सर्प श्रृंगार गले रुन माला मस्तक पे चंदा धरे, तीन लोक में महिमा तुम्हारी ओम नाम रणुकार पड़े, तुलसीदास प्रभु तुम्हारे भजन में चरणों में राम ध्यान धरे। राम जी खुद और समुद्र ने कहे हे समुद्र रस्तो दे, दो महीना विनती करी समुद्र रस्तो दे। राम जी ने रीसाई रघुनंदन धनुष साफ चढ़ावत है, साफ चढ़ाई समुद्र प्रकट हो हाथ ये भगवान अनंत हो जाए, क्यों इन समुद्र में हजारों जीव मर जाए तो कहीं करा आप सेना में नल और नील दो बानर है, बने श्राप लागो के वारी आदरी चीज कोई डूबे और ते उन माते राम राम भाटा लिख दी, जो नाम लिख दी जो भाटा माते और वो भाटा तिर जाला। जन राम जी के भाई मारे तो साफ छोड़ी रो कौन छोड़ू कटे और बीकानेर में छोड़ी है दौरा है कर दे दे अटो पानी होता पहले समुद्र होता जैसे मेरे लड़की ने थे देख लो आज भी गुगुसिया निकले मोटा मोटा पाटा निकले आठ आठ आहु कोई बॉन्ड और बॉन्ड सुखोई दी और समुद्र नल नील ऑर्डर दियो भाकर राम जी का नाम लिखड़ा है तो राम जी देख के इतना बाटा तिरे है तो मैं ही एक बाटो ना कुछ तिरे देख परसों चौराहे माते
जय हो पाग जो रही तो गई कि ने हॉस्पिटल भर्ती करा और नाड़ मिस्टेक हो गई कहीं नहीं तो वो पर लगा मार तो कहे हाँ राम जी वो भाटो ने पर जो पानी में ना उन भाटो डूब गो मगन जी लारा उबा हरमान जी अशो आग तो हरमान जी ने राम जी के हरमान अशो की कर रहे कहीं यू यहाँ कह नहीं बताता तो क्या बाप जी ओ थे नो तो वो भाटा तेरे ने छोर नाम रे आधार मात तेरे और जकन थे खुद छोड़ दो नो वो तो डूबनो ही तेरे नो तोड़ी है क्यों क्योंकि क्या मैं राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम नाम बड़ा राम से बड़ा राम जी का नाम है वो अभिमानी डूब जाएंगे जिन मुख नहीं राम जी का नाम वो पत्थर भी गिर जाएंगे जिसमें लिखा राम जी का नाम तो अटिनु बाटा लावना हरू होया तो हनुमान जी महाराज देख रहे एक हिमालय रो तो भाकर ले जो कई दूर तो लंबो गोरवन पर्वत उठा उठो ले आया तो गोवर्धन पर्वत हिमालय ने कहे हनुमान जी ने देख, देख, देख मारा ऊपर राम जी का चरण लागे तो ही तू मन ले ले दे निमन मतलब दे कि मारे परिवार उद्देश्य मत कर जी कह नहीं मैं वचन दऊं तो थारा सर राम जी का चरण थारे ऊपर जरूर ठंडा हो अटिनो 28 दिन होगा पूर पूरो तैयार हो गयो और हनुमान जी को भाकर घगाट नींद लावे वृंदावन कने आया राम जी हनुमान जी ने आदेश मिल गयो कि भाई फाटा में नहीं नाम अल्लाह परिवार राम जी ने दर्शन करे हनुमान जी महाराज राम जी कने जा के बाप जी विपता हो कहीं एक पर्वत में वचन कर लिया और वचन निभाणो पड़ो उन टाइम राम जी कहे जा उस पर्वत को कह दे मेरी भगत की सीट खाली नहीं जाएगी तेरी इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी इस रामादल में मैं तेरे ऊपर नहीं आऊंगा लेकिन कृष्ण अवतार में तेरे को 7 दिन इस अंगुली पे उठा के पूजा दूंगा वो हाजी भाटो उन टाइम रो नारे लियो वो हाजी भाकर और 28 दिन में कहवे बणियो नियो पाद बणियो और लंका हमें तो रामेश्वर हमें दिखे 30 किलोमीटर में रामेश्वर में अगर बैठा रहा तो लंका की लाइट हमें दिखे लेकिन आ लंका नहीं है आज की तारीख में अमेरिका और व्हाइट हाउस बाहर लंका जैसे पानी में द्वारका की भी उन्हीं प्रकार लगो रावणी लंका ही पानी में दिख रही और रामदेव जी रो मैल धोरे तो मैंने कहो तो आज तक नहीं लागो कटे तो पहला टाइम सब राम सेना लंका में पहुंची है और मगन जी पहला युद्ध हो तो नहीं बराबर हमें तो ठाकुर देख लो 2-3 मुक्का हलई मिले लेकिन पहला बराबर युद्ध हो तो सबों पहला युद्ध हो मेघनाथ और लक्ष्मण तो मेघनाथ शेष अवतार हैं लक्ष्मण जी भी
दो ये एक अवतार की करो यार, दो यहाँ की करो यार, क्योंकि दो इन मार रहे हैं कि जिन समय परशुराम जी महाराज भगवान परशुराम जी चार का अवतार तपस्या करता और महादेव जी बड़ा राजी हो गया, महादेव जी दर्शन दिया उन टाइम परशुराम जी नेत्र खोलिया नहीं, नेत्र खोलिया नहीं उन टाइम परशुराम महादेव जी आंखें में अश्रु धारा बहने लगी, अश्रु धारा बहने लगी तो भगवान शंकर तो अलोप होगा और वे आंसू धरती माते पड़ लगे, तो शिव यानी शंकर लोचन यानी आंखें ना यानी आंसू उन आंसू की बन गई कन्या जिन्हें आप कौन सलोचना सलोचना नहीं है, नाम है शिव लोचन, कई नाम है शिव शिव लोचना कन्या बनी हुई सुंदर, परशुराम जी नेत्र खोले और एक आ कन्या अटक कहीं करे और मारे तो क्षत्रियों बैर करेड़ो 21 बार क्षत्रिय विनाश कर धरती हैं लव लवान करेड़ी है और मारे इतना दुश्मन है तो मनी था नहीं है और इन कन्या की रक्षा की करो तो पताल राजा राजा शेष नाग बिन एक सोन एक फणो था पिता एक 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 उन पताल राजा शेष नाग ने कन्या ले लिया तो शेष नाग ने 100 फणोरी नजर उन कन्या ने बेटी मानी, 100 फणोरी नजर मतलब 200 आंखें वन नजर बेटी मानी, लेकिन एक फणी नजर उन्हें कुदृष्टि की, कुदृष्टि की उन समय शेष नाग ने विचार कर लिया दो आंखें और चक्कर में मैंने 200 आंखें फोड़ाड़ी पड़ी, इन दो दो आंखें और चक्कर में 200 आंखें मैंने फोड़ाड़ी पड़ेला और आज धरती मारे मारे चिकोड़ी है और मारो पाप धर्महीन हो गया वो फण काट जो मेघ यानी बादल ना दिन गर्दना और उन फणनो बणियो वो मेघ ना जन के मने कोई नहीं मार सके बाल जती मार सके जो अंजल त्याग कर सके नींद त्याग कर सके वो ही मने मार सके उन टाइम सेंस नाग वे के मैं तने खुद पुन मारे मारे तू तो एक बणी है मैं 100 बणी अवतार ले थने मारना होगा तो मेघनाथ ने मारने वास्ते लक्ष्मण जी बाला जती बणिया और जिन टाइम रावण राम जी वनवास रावण होया लक्ष्मण के मैं हाथे आ लो तनो राम जी के तो थारी मान पूतना सुमित्रा ने सुमित्रा ने पूछन गया तो सुमित्रा कहे हे लक्ष्मण तू राम जी हाथे जावे तो है पण कई ता राम जी दुविधा में जावे ना थने नींद आ जावे, लक्ष्मण कहे मां मैं वचन दऊं जब तक मैं राम के साथ रहूंगा 14 साल तक नींद भी नहीं लूंगा, अने कहे भाई हमें तो भाई कटन और लक्ष्मण ने याद हो कि मने जिनो खत्म करना है नींद त्याग दी अंजल त्याग दिया हम आप कौन लक्ष्मण जी भीड़ रे बोल क्यों को खाया है ते आप को रूपली होती ने हिनो को ठड़ा होता नहीं होता नहीं होता अंजल त्याग दिया तो राम लक्ष्मण जी खाया है क्योंकि लक्ष्मण जी जिन टाइम राम जी फल देता जो मुकुटर में कई बड़ा रा फल काट मेल दिया 14 साल और लक्ष्मण जी एड़ी इतना तक कहो कोई जटायु रो कने सीता जी रो श्रृंगार हो तो झुमको कौन रो लक्ष्मण जी ने पूछियो लक्ष्मण ओ थार भाभी रो है लक्ष्मण के मन खाई थी कि क्यों कि मेरी नजर मां के चरणों तक ही थी ऊपर गई नहीं मां कैसी मेरे को कोई पता ही नहीं है वे ने कहे भाई तो लक्ष्मण जी ने शक्तिमान लागियो तो थोड़ा गाड़ी रो ड्राइवर मोड़ हो जावे या गाड़ी का ड्राइवर है गाड़ी में सवारियां भरी है ड्राइवर कोई नहीं एक ड्राइवर हो जा कोई खत्म हो जा नहीं तो बस गाड़ी आ रही है बहुत हो रही है तो अठिनो राम जी लक्ष्मण ने गोद में ले ले करुणा करने लगा कहीं गए अरे जाग जाग मेरे लक्ष्मण भैया अरे जाग जाग मेरे लक्ष्मण भैया अरे जागो छोटा पील मन्नड़ो धर नहीं मारो
बेला दुख पिता स्वर्ग दायो और करे घर सु आई तीन दिन दया या राम अकेला रुदन करत करत प्रभु के नैनों में ढल रही नींद। हनुमान जी ने स्वामी देखे और राम जी शैन शैन नजर नजर दिन दिन रे अजी के लाला तेरे दुनिया कौन सहारा हम थारे बिन वाट बिंदु कोई हारो नहीं है पराई भोग में आए पड़िया मग दुख में कौन बंधावे धीर। उन टाइम हनुमान जी महाराज के प्रभु आप आज्ञा दो तो लंका में वेद है जिन्होंने नाम है सुसैन वेद है आप आदेश करो तो मैं उन वेद ने ले लेना। राम जी के दुश्मन रो इलाज कौन करे हनुमान जी के अगर वेद समझदार है तो वेद के लिए दुश्मन और मित्र बराबर है। जा हनुमान जी महाराज वेद रे कने जावे वेद जी होता है अड़वाण दे के हमें जगाऊं जण के आलू को माडे ले जाऊं तो दवाई भूल गो अड़मादी मपिलंगर नीचे हाथ गाल पर हड़ा 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 दे रहा मदल मदल वेदी जगाया वेदी के मैं कहाँ हूँ अड़मादी के ठिकाने मारी पहला इन्हीं नार देखी उन समय वेदी के हनुमान इलाज तो है पर कौन जी इलाज बहुत कठिन है कहीं त्रुणा के लिए माते सजीव बूटी हैं और वाह वाह सूर्य उदय होने पहला इन्हें पावे ला तो तोरो भाई जी तो हो सके नहीं तो इतो तो हनुमान जी राम जी रहा क्या अस्त्र धारा धारा लागी अस्त्र धारा बहने लागी और हनुमान जी रहा में जो हनुमान जी कौन लागा कहीं कौन लागा राम जी अरे अजनी के लाला द्रोणागिरी जानो जी हे पवन सुत लाला द्रोणागिरी जानो जी आता तो लई जो सरदी अरे रघुवर प्यारा Hey, hey, hey.
शहर शहर मगन जी बैल राम जी कहवे हे हनुमान द्रोणागिरी दावण लावणी सजुर मूर्ति। अब देखो वो राम एक कौन समुद्र सुखा सके तो सजुर मूर्ति लावणी लेकिन बाहर नहीं है लेकिन भगत री महिमा बढ़ाने वास्ते राम हनुमान जी ने हनुमान जी महाराज के प्रभु आप आदेश है तो मैं जाऊं तो करो पर मन ठाकुर की सजुर मूर्ति है केड़ी उन टाइम राम जी के लिए राम हनुमान चम चम चमके दीपक री लो टाइप चमके हैं और अरे पुनरी तो हनुमान जी महाराज अटू रवन हुए तो लारे अडीक भोंडी है तो एक समय रो मदन है कहवे राम जी ने लक्ष्मण ने गोद में लेन करे अरे सेना रे सिरदार मारी
तारो सतमत जाप दोरे अरे दई जो रमणी ये रो रा